उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिले की आज अंतिम तारीख है और इसके साथ ही दूसरे चरण में राज्य के 11 जिलों की 67 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 11 जिलों की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा, वहीं नामांकन पत्रों की जांच 28 जनवरी को की जाएगी, जबकि 30 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तराखंड में भी नामांकन का आज आखिरी दिन है। मुख्यमंत्री हरीश रावत आज हरिद्वार ग्रामीण से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वो किच्छा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में मचे घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी पहुंचेंगे। मौर्य बीजेपी के वर्तमान विधायक श्यामदेव राय चौधरी समेत कई असंतुष्ट नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यूपी बीजेपी के बेहद वरिष्ठ नेता और वाराणसी शहर दक्षिणी से लगातार 7 बार से विधायक श्यामदेव राय चौधरी अपना टिकट कटने से बेहद नाराज हैं। लखनऊ में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी चुनावी रणनीति के बारे में कुछ खुलासा कर सकते हैं। पंजाब में पीएम मोदी की आज पहली रैली होनी है। ऐसे में पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी अकाली दल गठबंधन भी जुटी हुई है। बीजेपी अकाली दल के पक्ष में चुनावी बयान बहाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलंधर में गरजेंगे। मोदी 2 बजे जलंधर में एक सभा को संबोधित करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। सिद्धू के आने के बाद कांग्रेस में आज भी अब जग गई है और ऐसे में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज से पूरी ताकत के साथ बादल परिवार और बीजेपी अकाली दल की सरकार को घेरेंगे। राहुल गांधी यहां कई रैलियां करने के साथ शहरी इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। गोवा में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है और इस बीच खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा में प्रचार करने पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि ऐसे में पीएम मोदी घोषणा पत्र में शामिल वादों को अपनी रैली में उठाकर जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। रामपुर में बीजेपी के एक बड़े नेता छत्रपाल यादव ने सपा का दामन थाम लिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने रामपुर की नगर विधानसभा से छत्रपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका टिकट निरस्त कर दिया गया। साथ ही रामपुर के सांसद नेपाल सिंह पर 50 लाख लेकर उनका टिकट कटवाने का आरोप लगाया था। वहीं सूबे के कद्दावर मंत्री आजम खान ने इस मौके पर छत्रपाल यादव का सपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही यादवों का असली घर है। सहारनपुर में एक बार फिर एपीएन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हमने दिखाया था कि बेहट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सैनी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद के ऊपर नोटों की बारिश की गई थी। इस मामले में प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजक मास्टर जमील और नोट उड़ाने वाले समर्थक के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। इलाहाबाद में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की 4 गाड़ियों को जिला प्रशासन ने सीज किया है। इन गाड़ियों में कांग्रेस पार्टी का बैनर है और पोस्टर भी लगा है।